श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदीश्वर शिव महापुराण कथा में गुरु जी ने एकदम नए उपाय बताए हैं। यह कथा बिहार में चल रही है, गुरु जी द्वारा बाची जा रही है और आस्था चैनल पर लाइव आ रही है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह जो उपाय है इसमें से एक उपाय तो आप कल ही यानी नवरात्रि चल ही रहा है 20 जून को ही कर सकते हैं। साथ में गुरु जी जरा बताया कुछ विशेष उपाय है जो आप कल कर सकते हैं, नवरात्रि में कर सकते हैं और इसमें कुछ विशेष नए उपाय भी शामिल हैं। तो पहला उपाय, नवरात्रि का गुप्त नवरात्रि का ये हफ्ता चल ही रहा है और नवरात्रि के अंदर ही गुरु जी ने एकदम नया उपाय बताया करने वाला नंदीश्वर शिव महापुराण कथा में। यह उपाय आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। जी हाँ, कैसे करेंगे? आपको लेना है एक दुर्वा, जी हाँ एक दुर्वा, एक बेलपत्री और साथ में आपको लेना है एक लोटा जल। ठीक है, तीनों चीज को लेके आप जाएंगे शिवालय और शिवालय पहुंचकर सबसे पहले समर्पित करेंगे दुर्वा, एक दुर्वा समर्पित करो शिवलिंग के ऊपर, फिर आपको एक बेलपत्री उसी दुर्वा के ऊपर समर्पित करना है, फिर उसके बाद एक लोटा जल उसी बेलपत्री और दुर्वा के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद उस जल को झेलना है सीधे हाथ की हथेली से और जल का आचमन करना है। जी हाँ, यह उपाय विशेष गुरु जी ने कहा है रोगों से मुक्ति पाने का उपाय है। जो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, बार बार बीमार पड़ती है, दवाइयाँ खत्म नहीं हो रही है, मेडिसिन बंद नहीं हो पा रही है, उपाय करके भी थक चुके हो, तो एक बार रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को करिएगा। इस उपाय को आप लगातार भी कर सकते हो या सोमवार सोमवार कर सकते हो। कल नवरात्रि का दिन है, मंगलवार का दिन है, कल से शुरुआत करो। बहुत ज्यादा बीमारी से परेशान हो तो एक बार इस उपाय करके अवश्य देखिएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय एक गुरुजी ने कहा है विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के रिश्ते आ रहे, संबंध आ रहे पर कहीं ना कहीं किसी वजह से बात अटक जाती, अटकलें आती और संबंध पक्का नहीं हो पा रहा है, या फिर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आपने कमर में बांधने वाला जो गुरुजी ने उपाय बताया था सफेद आंकड़े वाला, वह भी किया है फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो गुरुजी ने कहा है संतान प्राप्ति के लिए और विवाह के लिए एकदम नया उपाय है। अगर आप सब उपाय कर थक चुकी हो तो एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 5 बेलपत्री। जी हाँ, कितनी बेलपत्री? 5 बेलपत्री। साथ में लेंगे हम 5 दुर्वा। क्या लेंगे? 5 दुर्वा और लेंगे 5 पुष्प, जी हाँ 5 फूल, और साथ में आपको लेना है कलश जल। वह कलश जल भी 5 कलश जल होना चाहिए। जी हाँ, एक बाल्टी में जल भर लीजिएगा और एक लोटा डाल लीजिएगा उसके अंदर। ठीक है, इस सामग्री को लेकर आप जाएंगे शिवालय। शिवालय पहुंचकर क्या करेंगे? शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको समर्पित करना है, इस क्रम को समझिएगा, सबसे पहले आपको एक पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। एक पुष्प, कोई सा भी पुष्प ले सकते हो आप। एक पुष्प समर्पित किया, फिर आपने चढ़ाई है बेलपत्री उसी पुष्प के ऊपर, दूसरी, तीसरा आपको उस पर चढ़ाना है एक दुर्वा, एक फूल, एक बेलपत्री और एक दुर्वा, और फिर उसके बाद एक लोटा पूरा जल आपको समर्पित करना है। ठीक है, ये आपने किया, फिर वापस से आपको उसी क्रम में वापस से फूल समर्पित करना है, फिर आपको बेलपत्री समर्पित करना है, फिर आपको दुर्वा समर्पित करना है और फिर एक लोटे जल समर्पित करना है। यह उपाय आप नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर या तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर कर सकते हो। समझ में आया? 5 बेलपत्री कैसे चढ़ाओगे? एक एक करके चढ़ाओगे, फिर जल चढ़ाओगे। यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए एकदम नया उपाय। इस उपाय को आप कम से कम 5 सोमवार या 7 सोमवार करके देखिएगा। 5 या 7 सोमवार के अंदर ही अंदर आपके मनोरथ पूरे होंगे ही होंगे। तीसरा उपाय, नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है, अगर अपने ही घर में हमें ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर रखा है, भय है, डर है, घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, घर में अगर कोई व्यक्ति आता भी है हमारे यहाँ किसी चीज़ की बात करने के लिए तो वापस चले जाता है, यानी घर में कोई भय भय से लगता है, अंधेरा अंधेरा से लगता है, हमारा कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वास्तु दोस्त तो नहीं, किसी ने कुछ कर तो नहीं रखा है, ऐसी कोई परेशानी अगर आपको लगती है तो गुरुजी ने कहा था नवरात्रि में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो। तो कल मंगलवार का दिन है, आप कल भी करिएगा।
एक लोटा जल लेंगे, उस लोटे जल में आपको डालना है एक बेलपत्री, जी हाँ एक कलश जल, पर वह जल अपने ही मटके परिंडे का होना चाहिए, और उसमें डाल देंगे एक बेलपत्री, उसको ढक दीजिए, ढककर अपने मटके या परिंडे के पास रख दीजिए, रखेंगे आप। यह आपको करना है आज रात को ही कर लेना या फिर कल रात को कर लेना, नवरात्रि की सप्ते में कभी भी कर सकते हैं। ढककर रख देंगे, रात भर रखा रहेगा, अगले दिन सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद उस कलश को उठाएंगे, उस कलश को उठाकर पूरे घर में उसको घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाना कि पीछे से आप आगे की ओर निकले, और जब आगे जाए तो वापस घर में पीछे पलट के नहीं आना है, आपको सीधे जाना है नीम के वृक्ष के पास। जी हाँ, नीम के वृक्ष के पास जाकर पूरा जल और बेलपत्री आपको नीम के वृक्ष में समर्पित कर देना है। बस यह उपाय आप करके देखिएगा, आपकी घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी वह सब गायब हो जाएगी। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।